और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अपना दल खमेरावादी ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। AIMIM के साथ अपना दल खमेरावादी लड़ेगा लोकसभा चुनाव, ये जानकारी मिल रही है। यूपी की करीब 30 लोकसभा सीटों पर अपना दल के और AIMIM के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए एक और बड़ा झटका। आपको बता दें कि आज असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की संयुक्त प्रेस वार्ता होगी, जिसमें दोपहर 2:30 बजे इसका ऐलान किया जाएगा। गठबंधन की औपचारिक घोषणा से पहले दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। तो ये बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, एक बड़ी जानकारी। मोहम्मद गुफरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद गुफरान, ये इंडिया गठबंधन के लिए वाकई एक बड़ा झटका है और एक और दल ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ा, AIMIM और अपना दल के साथ आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से अगर देखें तो ये जो मुलाकात है AIMIM और अपना दल खमेरावादी, जो पल्लवी पटेल हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2022 के विधानसभा में चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंची थी, लेकिन उन्होंने अब इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया है। पिछले दिनों उन्होंने अखिलेश यादव से नाराजगी भी अपनी जाहिर की थी और अब गठबंधन से अलग होने का जो रास्ता है उन्होंने तय कर लिया है। और आज दोपहर 2:30 बजे लखनऊ में एक जो प्रेसवार्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता है और इसमें औपचारिक तौर पर ओवैसी के साथ उनके चुनाव लड़ने की घोषणा है वो हो जाएगी और यूपी की करीब 30 लोकसभा सीटों पर दोनों दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और ये मुलाकात निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, खास करके इंडिया गठबंधन के लिए ये बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो एक बड़ी फैन फॉलोइंग है खास करके मुस्लिम समाज में, और दूसरी तरफ पल्लवी पटेल जो है वो कुर्मी जो पटेल बाहुल इलाके हैं, पटेल बाहुल जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर उनकी मजबूत दखल मानी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से इंडिया गठबंधन के लिए ये जो मुलाकात है अपने आप में बड़े झटके के तौर पर सामने आएगी। तो गुफरान, ये कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्या अभी तक कोई सियासी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है, इस गठबंधन को लेकर सामने आई है? देखिए अभी इस पर विपक्ष खास करके जो दूसरे दल हैं उनकी तरफ से अभी कोई बयान जरूर सामने नहीं आए हैं। अभी हाल में ये तस्वीरें जो है कुछ समय पहले ही आई है, तो अभी इन तस्वीरों के बाद ही ये जो मुलाकात है, मुलाकात के को लेकर के जो रिएक्शन है वो आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि दोपहर 2:30 बजे जब दोनों दल असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल एक साथ मिलकर के जब प्रेसवार्ता को औपचारिक तौर पर गठबंधन को का ऐलान करेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से इस पर सियासी जो बयानबाजी है वो जरूर सामने आएगी, खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिहाज से ये जो मुलाकात रहेगी वो कहीं ना कहीं से एक झटके के तौर पर रहेगी। ठीक गुफरान, नजर बना के रखिएगा, फिलहाल शुक्रिया तमाम।